दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई ऐप के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा यूपीआई ऐप सबसे अच्छा है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट करने के लिए, लेकिन 15 से भी ज्यादा ऐप ऐसे हैं जिनको मैं खुद यूज कर चुका हूं और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम जैसे एप्लीकेशन को मैं शुरुआत से ही लगातार यूज कर रहा हूं। जब से यूपीआई लॉन्च हुआ है, यूपीआई की शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी और मैंने लगभग सभी यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो भी बना रखे हैं। अलग अलग एप्लीकेशन में मैंने बताया है कि यूपीआई को कैसे यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन यूज करना आपके लिए बेस्ट है, जिसके द्वारा आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करनी पड़े, बस एक या दो एप्लीकेशन से उनका काम चल जाए। और वो एक या दो एप्लीकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जिनको आप आसानी से यूज कर पाए, आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनका यूजर इंटरफेस भी सिंपल और आसान होना चाहिए ताकि आप आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई एप्लीकेशन की। यूपीआई एप्लीकेशन दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है बैंक की खुद की यूपीआई एप्लीकेशन। लगभग सभी बैंकों की अपनी खुद की यूपीआई एप्लीकेशन है, या तो बैंकों ने अलग से यूपीआई एप्लीकेशन बना रखी है, जैसे कि एक्सिस बैंक की भीम एक्सिस पे, SBI बैंक की भीम SBI पे, HDFC बैंक की पेजअप यूपीआई एप्लीकेशन है। तो अलग अलग बैंकों ने अपनी अलग अलग एप्लीकेशन बना रखी हैं यूपीआई पेमेंट करने के लिए, और बैंकों ने ऐसा भी कर रखा है मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के अंदर ही यूपीआई का ऑप्शन दे दिया है। आप यूपीआई सेटअप करके वहां से भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप की जो एप्लीकेशन होती है वो होती है थर्ड पार्टी ऐप, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन मार्केट में है जिनको थर्ड पार्टी के तौर पर हम यूज करते हैं। दोस्तों, मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अभी है फोन पे के पास, यानी कि सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं फोन पे एप्लीकेशन को। तकरीबन 46.4% लोग फोन पे ऐप का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर आती है गूगल पे। दोस्तों, गूगल पे जो यूज करते हैं 34.8% लोग यहाँ पर गूगल पे का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर जो भी डेटा शेयर कर रहा हूँ वो NPCI के मुताबिक यहाँ पर रिकॉर्ड है, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिकॉर्ड रखता है सारे पेमेंट्स के। तो यहाँ जो उनके थ्रू जो डेटाबेस है, दूसरे नंबर पर है गूगल पे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की ऐप के बारे में, जो कि है पेटीएम। दोस्तों, पेटीएम का जो मार्केट शेयर है यूपीआई पेमेंट में वो है 14.7%, यानी कि 14.7% लोग यूपीआई पेमेंट के लिए पेटीएम का यूज करते हैं, और बाकी जो अदर ऐप हैं उनका जो मार्केट शेयर है वो है 3.7%। आइए इसे एग्जांपल के तौर पर इस तरह से समझ लेते हैं। मान लो 100 लोग हैं जो पेमेंट के लिए यूपीआई का यूज करते हैं, उनमें से 46 लोग ऐसे हैं जो केवल फोन पे का यूज करते हैं, उन 100 में से 35 लोग गूगल पे का यूज करते हैं और 15 लोग पेटीएम का यूज करते हैं, और बाकी बचे 100 में से 4 लोग जो कि अदर यूपीआई एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोन पे के बारे में। दोस्तों, फोन पे जो लॉन्च हुआ था इंडिया में दिसंबर 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसका इस्तेमाल आप यूपीआई पेमेंट के लिए करते हैं। मार्केट में फोन पे ऐप सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है यूपीआई पेमेंट के लिए। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर फोन पे का है। ऐसा इसलिए भी है कि फोन पे ऐप का जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे आसानी से यूज कर पाता है, हर एक व्यक्ति इसे आसानी से समझ लेता है। यही वजह है कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा चल रही है वो फोन पे ऐप चल रही है। रेटिंग की बात करें तो प्ले स्टोर पर इसे 4.2 की रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है, और इसके 500 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है। अब बात करते हैं गूगल पे के बारे में। 11 सितंबर 2015 में गूगल पे को सबसे पहले एंड्रॉइड पे के नाम से लॉन्च किया गया था, और लॉन्च होने के बाद से ही इसे बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स मिलने लगा, और 18 सितंबर 2017 में इसका नाम बदलकर तेज ऐप कर दिया गया। लेकिन बाद में 28 अगस्त 2018 को तेज ऐप का नाम बदलकर गूगल पे कर दिया गया, क्योंकि लोग गूगल पे पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और इसके बाद गूगल पे को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। गूगल पे अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत आती है
इसका जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एप्लीकेशन को यूज करना आसान नहीं है, हर इंसान इसे आसानी से यूज नहीं कर सकता है। खासकर जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे गूगल पे को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बाकी तो गूगल पे बहुत ही बढ़िया ऐप है, लेकिन इसका इंटरफेस थोड़ा टफ है, इसी वजह से इसका यूजर बेस थोड़ा सा कम है। प्ले स्टोर पर इसे 4.1 की रेटिंग मिली है और इसके 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है। डाउनलोड तो इसके ज्यादा है लेकिन यूजर इसे थोड़ा कम यूज करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है पेटीएम। दोस्तों पेटीएम 2010 में लॉन्च हुआ था, जिसकी शुरुआत ऑनलाइन वॉलेट के रूप में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज के लिए की गई थी। बाद में इसके अंदर और भी बहुत सारी सर्विसेज को ऐड किया गया, जिसमें से एक है यूपीआई पेमेंट। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान और सिंपल है, कोई भी पर्सन इसे आसानी से यूज कर सकता है। इंडिया में जो सबसे पहला एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था वो पेटीएम ही है। पेटीएम की कहानी थोड़ी अलग है। पेटीएम इतना अच्छा सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, फिर भी इसका मार्केट शेयर तीसरे नंबर पर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में पेटीएम की तरह ही कुछ फर्जी ऐप आए, लोगों ने उसे पेटीएम समझकर पेमेंट लिया, लेकिन पेमेंट उनके अकाउंट में आया ही नहीं। ऐसे बहुत से केस सामने आए थे जिसकी वजह से पेटीएम का मार्केट बहुत ज्यादा खराब हुआ था। लोग आज तक उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं जमा पाए हैं। बहुत से लोगों ने फर्जी पेमेंट किया था पेटीएम एप्लीकेशन बताकर, इसी वजह से इसका मार्केट शेयर बहुत कम है और ये तीसरे नंबर पर आता है यूपीआई पेमेंट करने के लिए। जबकि इसमें पेटीएम की कोई भी गलती नहीं है, पेटीएम एकदम सेफ एंड सिक्योर ऐप है। मैं खुद भी इसे कई सालों से यूज कर रहा हूँ। पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर पर 4.6 की रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है, और 100 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हैं। तो अब बात करते हैं कि इनमें से सबसे अच्छी एप्लीकेशन कौन सी है। यूपीआई पेमेंट के डेटाबेस के हिसाब से देखा जाए तो फोन पे का यूजर बेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग फोन पे ऐप को यूज करते हैं, इसलिए ये नंबर एक पर आती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गूगल पे का यूज किया जाता है और तीसरे नंबर पर लोग सबसे ज्यादा पेटीएम को यूज करते हैं। इन तीनों के बाद बाकी एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। और मैं अपना खुद का बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा गूगल पे का यूज करता हूं, दूसरे नंबर पर मैं पेटीएम का यूज करता हूं और तीसरे नंबर पर मैं फोन पे ऐप का यूज करता हूं। आपकी नज़र में कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट है आप कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।